हेलो दोस्तों, इजी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सिंपल और स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने लगभग 400 ग्राम कटी हुई गोभी और 2 कटे हुए आलू लिए हैं। साथ ही तड़के के लिए मैंने 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ लिया है। तो चलिए तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल के अच्छे से गर्म होने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल लेंगे। जब लहसुन और अदरक हल्के से ब्राउन हो जाएं, तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जब प्याज का रंग ब्राउन हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर मसाले को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाला अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर हम स्पैचुला का यूज़ करके टमाटर को थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि टमाटर के पीसेस अलग ना दिखें। अब हम इसमें गोभी डाल लेंगे और मिक्स करके पहले गोभी को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आलू तो गल चुके होते हैं पर गोभी हमारी कच्ची रह जाती है, तो इसलिए हम गोभी को पहले थोड़ा पका लेंगे और आलू बाद में डालेंगे। लगभग 3 मिनट हमने गोभी को पका लिया है। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे और मिक्स करके सब्जी को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे।
ध्यान रखें बीच बीच में आप सब्ज़ी को ज़रूर हिलाते रहें ताकि सब्ज़ी पैन के साथ ना चिपके। आलू और गोभी अच्छे से गल चुके हैं तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। गर्मा गर्म आलू और गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।